समय हम आए हुए हैं सिद्धपुर। सिद्धपुर एक छोटा सा गांव है जो नॉर्बोलिंका इंस्टीट्यूट के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। मैं जैसा बता रहा था, सिद्धपुर एक बहुत ही दिलचस्प जगह है। सैलानियों की वजह से, टूरिस्ट या जो लॉन्ग टर्म ट्रैवलर्स हैं या जो देश विदेश से लोग आके यहाँ पे बस गए हैं, यहाँ पे अब कैफेज भी हैं, रिजॉर्ट्स भी हैं, पर जो गांव है वो भी जीव का तीव्र। खैर, मैं सिद्धपुर खाना खाने आता हूँ मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। तो उस दिन मैं यहाँ खाना खाने आया हुआ था और यहाँ पे मुझे गगन जी मिले। अब गगन जी ने मुझे एक बड़ी दिलचस्प बात बताई जो मैं आपको थोड़ा विस्तार से थोड़ी देर में बताता हूँ, पर आइए पहले गांव देख लेते हैं। गगन भैया हमें इस घराड़ में लेके आए, घराड़ जहाँ पे गाय वगैरह रखी जाती हैं, पर ये अभी समय अबैंडन्ड है, लोग धीरे धीरे डेयरी से हट रहे हैं। ये बनी बहुत अच्छी हुई है तो मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए। पुरानी बिल्डिंग में आके ऐसा लगता है जैसे थोड़े टाइम के लिए आपने एक टाइम मशीन में स्टेप इन कर लिया हो। अब बात करते हैं वर्तमान की। तो ये घराड़ एक चालू घराड़ है, यहाँ पे गाय भी बंधी हुई है, पर फिर भी एक समस्या और है। बाइक दिन की माँ मर गई थी तो फिर इसको पाड़ा, वो जो बड़े बड़े सींग वाला इसको पाड़ा, फिर ये को वहाँ दे दिया, उसको पाड़ा, एक और था बच्चू, फिर मेरे से नहीं तो पाड़ा जा रहा था, उसको यहीं छोड़ दिया। छोड़ दिया उसको। तो क्या करना था, मैंने कैसे पालने था, उसको छोड़ दिया। झूठ क्यों बोलना है, तो बच्चियाँ होती है ना, तो अभी तो ये भी नहीं पड़ेगी तो ये भी छोड़ना पड़ेगी, क्या करना है, कैसे पालना है। तो ये होता है कि अगर पाले नहीं जाते तो पैदा क्यों कराने, तो पैदा क्यों कराना, दूध वास्ते। और कैसे। अब चक्कर ये है ना कि गाड़ियाँ हैं, फिर लोगों के खेत हैं, तो जब छोड़ते हो तो फिर लोग थोड़ा मारपीट करते हैं ना, ये तो अच्छी वो है ना, गलत बात है ना, जिसकी खेती खानी उसने तो मारना ही है, वही है ना, जिसने दूध पीना है उसने तो छोड़ने हैं, जिसकी खेती है उसने तो मारना है। तो ये करे तो बेचारे क्या करे। एक मैंने तो ये की छोड़ा है, वो भी लड़का नहीं मान रहा था कि इसको छोड़। मैं तो लेके जाती नहीं है, आप ही छोड़ के आओ उसको, मैं नहीं छोड़ती है। इतना बड़ा था वो तो, इतना बड़ा। तो भैया को क्या दिक्कत थी उससे? भैया को क्या दिक्कत थी, कभी कभी मैं बीमार हो जाती है तो गोबर मत पड़ता उनको उठाने, ड्यूटी करेगी ये गोबर खाए, ये दिक्कत है। ये सर यहाँ पे मेरा काउ शेड है, इसका नाम मैंने परु, उसका मेरी बेटी ने ज्ञान, उसका छन नाम रखा हुआ है। सर ऐसा है, मेरे पास पहले गाय थी, उसकी डेथ हो गई थी, फिर मैंने उसका नई ली है। गाय वैसे मैं ऐसा नहीं रखना नहीं चाहता था, पर पहले ऐसे होता था कि बछड़े जो होते थे इस एज में तो सब लोग बोलते थे हमें दे दो, और जैसे खेतों में काम के लिए इस तरह यूज़ किया जाता था, पर आजकल ऐसा नहीं है। पहले बूढ़े बैल भी रखे होते थे लोगों ने, मेरे देखने के उसमें ही मतलब, जैसे मैं बड़ा हुआ तो देख रहा हूँ ये सब चीज़ें। और एक बात मैं आपकी मानता हूँ कि हाँ लोग बछड़ों को मारते हैं, या मेरे आसपास में, या मैं बोलना नहीं चाहूँगा, करते हैं लोग, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, पर मुझसे तो होगा नहीं। तो जैसे बछिया जो है, ये बछिया का आप क्या करोगे, ये बिक जाएगी 3 साल बाद? सर बिक जाएगी, कोशिश करूँगा मैं अपने रिलेटिव को दूँ जो अच्छा वो करे। इसके बाद आप गाय नहीं लूँगा, इसी को जब तक है बूढ़े तक, रिटायरमेंट जैसे मैं कर सकूँ वैसा करना चाहूँगा। पहले आप एक्सपेंशन का सोच रहे थे, तो अब आपने कहा कि भाई एक्सपैंड नहीं करना, चलो। तो किसी ने कहा नहीं कि भाई ये थोड़ी तू पागलों वाली बात कर रहा है? बोला मतलब तेरे बस की नहीं है, ऐसे ऐसे होता है, मतलब कम्युनिटी में वो सब हो रहा है, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं अच्छा करूँ। मुझे फील होता है कि हाँ हम ये गलतियाँ कर रहे हैं और आगे ये होंगी, अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो हमारे बच्चे शायद कर रहे। आप देखो अच्छा करो बुरा करो मतलब उंगलियाँ तो उठनी उठनी है, अब हमारी कम्युनिटी ऐसी है तो इसी के साथ जियो। मेरे को लगता है कि अगर जब समाज बीमार होता है ना, तो जो लोग सही रास्ते पे चलते हैं उन्हें पागल बताया जाएगा, उनको गालियाँ पड़ेंगी, तो जब गालियाँ पड़ती हैं पागल बताया जाता है तो समझ लो हम सही कर रहे हैं, भगवान को मुंह दिखा सकते हैं। वही
चाहिए सर। काली चाय पहले बनाई कभी? हाँ जी बहुत बार बनाई। किस लिए? मेरे मम्मी भी पीते हैं। तो आप दूध बेचते हैं लेकिन दूध पीते नहीं, ऐसा क्यों? पहले मुझे बड़ा पसंद था, फिर धीरे धीरे मैं आपकी वीडियो देख के मुझे लगा कि मैं अभी से काम करूँ तो मैं छोड़ पाऊंगा, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। ऐसे नहीं कि मैं पूरी तरह छोड़ सकता हूँ चाय, मैं दूध वाली बड़ी पसंद है, तो हो सकते हैं तो मैं छोड़ पाऊँ धीरे धीरे। तो समस्या ये है कि ना आज हमारे पास बूढ़ी गाय का कोई इस्तेमाल है और ना ही बैलों का, पर फिर भी दूध के लिए हम इन्हें पैदा ज़रूर करते रहते हैं। अब हम इन्हें सड़क पर मरने के लिए छोड़ दें, ये भी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ, ये तो हमने अपनी समस्या ली और उनके सर पर मर दी। अगर हमें समस्या को सुलझाना है ना, तो हमें ये समझना होगा कि हमें दूध से मिलता क्या है आखिर, पोषण और रोज़गार। तो क्या ये पोषण और रोज़गार क्या फल सब्जियाँ अनाज इनकी खेती करके हमें नहीं मिल सकता? तो जब हम समाधान ना सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का भी सोच के निकालेंगे, तब हम कह सकते हैं कि भाई अच्छे दिन आने वाले हैं।